गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है ना? क्लियर? इसमें आ रही है। ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करा दी थी, ठीक है? आज है आपकी सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट का आपका फर्स्ट चैप्टर है हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है, ठीक है? कि हीट ट्रांसफ़र या हीट फ्लो कैसे होता है, ठीक है? ये सब है इसमें। फ्लो ऑफ हीट या फिर फ्लो ऑफ हीट और हीट ट्रांसफ़र सेम है, ठीक है? कंफ्यूज मत होना। बुक में जो दिया गया है वो दिया गया है फ्लो ऑफ हीट, ठीक है? और जो आपके सिलेबस में है वो है हीट ट्रांसफ़र। मीनिंग सेम है कि फ्लो कैसे होता है या ट्रांसफ़र कैसे होता है हीट का, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप कोई लोहे की रोड है, ठीक है? या ऐसे इसे मान लो, ठीक है? लोहे की रोड है, जैसे ये पेन है, ये लोहे का बना है अगर, ठीक है? तो अगर आप एक कोने को, मतलब इस साइड को आप गर्म करोगे, ठीक है? इस कोने को आप क्या करोगे, गर्म करोगे, तो वो क्या होगा, धीरे 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 जो आपकी हीट होगी वो ट्रांसफ़र होके इस एंड पे चली जाएगी, ठीक है? दैट मीन्स क्या है कि वो हीट आपकी ट्रांसफ़र हो रही है एक एंड से दूसरे एंड पे, ठीक है? ठीक है, इसी तरह से आपका, ठीक है? और ये हीट ट्रांसफ़र आपका बाउंड्री के कारण होती है, ठीक है? जैसे ये पेन है, या ये पेन मतलब उसका बना है, लोहे का बना है, तो इसका जो हीट ट्रांसफ़र होगी वो किसके थ्रू होगी, थ्रू बाउंड्री, मतलब इसमें बाउंड्री है, अंदर बाउंड्री है, ठीक है? ये इस वन एंड को हम गर्म करेंगे तो ये धीरे धीरे ट्रांसफ़र होगी, कहाँ जाएगी, दूसरे एंड पे जाएगी, मतलब दूसरा कोना आपको गर्म फील होगा, ठीक है? तो इस ये जो इसमें हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो थ्रू द बाउंड्री हो रही है, ठीक है? एक हीट ट्रांसफ़र होती है आपकी एयर के थ्रू, जैसे आप किसी मतलब या फिर जैसे किसी भट्टी में आप आग जलाते हो, ठीक है? आग जलाते हो तो बाहर से जैसे आप हाथ सेकते हो, अंदर बैठ के तो नहीं सेकते ना, बाहर से जैसे आप हाथ सेकते हो तो आपको गर्म फील होता है, ठीक है? वो क्यों, सराउंडिंग, क्योंकि चारों तरफ उसके क्या है, एयर है। एयर के कारण जो हीट आपको मिल रही है वो क्या है, थ्रू द एयर, मतलब मीडियम कोई भी नहीं है, ठीक है? जैसे ये क्या है, ये मीडियम है, मतलब एक कोने से दूसरे उसमें जा रहा है, मतलब मीडियम है और थ्रू द बाउंड्री, ठीक है? दूसरी जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो थ्रू द एयर हो रही है, ठीक है? जैसे आपका चूल्हे में या फिर जो आपकी भट्टी होती है उसमें जब आप आग जलाते हो, आप हीट वो करते हो, सेकते हो उसे, वो आपको गर्म फील होती है, ठीक है? लिखो, इसमें हेडिंग डालो पहले, फ्लो ऑफ हीट, फ्लो ऑफ हीट, फ्लो ऑफ हीट। आवाज आ रही है ना? हेलो, ठीक है, लिखो फ्लो ऑफ हीट। इसमें लिखो, हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो आपको हीट मिलती है मतलब एक एनर्जी मिलती है, ठीक है? हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक, whenever
ए फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ए फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स, ए फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स, हीट फ्लो इनटू और लीव्स द सिस्टम, हीट फ्लो इनटू और लीव्स द सिस्टम, लीव छोड़ने वाला लीव्स, ठीक है, लीव्स द सिस्टम, ए नंबर ऑफ सोर्सेज ऑफ हीट, ए नंबर ऑफ सोर्सेज ऑफ हीट इज यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल स्केल ऑपरेशंस, इंडस्ट्रियल स्केल ऑपरेशंस, स्टीम एंड इलेक्ट्रिक पावर आर द चीफ सोर्सेज, स्टीम एंड इलेक्ट्रिक पावर आर द चीफ सोर्सेज टू ट्रांसफर हीट, चीफ सोर्सेज टू ट्रांसफर हीट, इट इज इसेंशियल टू कन्वे स्टीम, इट इज इसेंशियल टू कन्वे स्टीम विदाउट एनी लॉसेस, विदाउट एनी लॉसेस टू द अपरेटस, विदाउट एनी लॉसेस टू द अपरेटस, इन विच इट इज यूज्ड, इन विच इट इज यूज्ड, द स्टडी ऑफ हीट ट्रांसफर, द स्टडी ऑफ हीट ट्रांसफर प्रोसेसेस, हीट ट्रांसफर प्रोसेसेस हेल्प इन डिजाइनिंग द प्लांट इफिशियंटली, प्लांट इफिशियंटली एंड इकोनॉमिकली, एंड इकोनॉमिकली, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। अब मैकेनिज्म क्या होता है आपका, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ हीट फ्लो, मैकेनिज्म ऑफ हीट फ्लो, तीन मैकेनिज्म हैं आपके। फर्स्ट है कंडक्शन, CONDUCTION, कंडक्शन। सेकंड है कन्वेक्शन, CONVECTION, कन्वेक्शन। थर्ड है रेडिएशन, RADIATION, रेडिएशन। पहले इनके बारे में लिख लो फिर बताती हूँ। पहले लिखो कंडक्शन, हेडिंग डालो कंडक्शन। पहले अभी ये क्या है इनके जर्नल, उसके बारे में पढ़ना है आपको, कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है और रेडिएशन क्या होता है। फिर डिटेल में इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है आपको, ठीक है, इसके बारे में, क्योंकि जो 4 इयर्स आपके सब्जेक्ट में जो सिलेबस में दिया हुआ है 4 इयर्स लॉ, ठीक है, हीट ट्रांसफ़र, कंडक्शन, कन्वेक्शन, कैसे हीट ट्रांसफ़र हो रही है, ये सब आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। पहले हेडिंग डालो कंडक्शन, व्हेन हीट फ्लो इन ए बॉडी, व्हेन ए हीट फ्लो इन ए बॉडी
इज अचीव्ड बाय द ट्रांसफर व्हेन हीट फ्लो इन ए बॉडी इज अचीव्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम MOMENTUM मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल एटम्स ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स विदाउट मिक्सिंग सच ए प्ोसेस इज नोन एज कंडक्शन एग्जाम्पल लिखो फ्लो ऑफ हीट थ्रू द मेटल शेल SHELL metal shell of a boiler takes place by conduction as far as मैं रिपीट कर दीजिए एग्जाम्पल फ्लो ऑफ हीट थ्रू द मेटल शेल ऑफ ए बॉयलर takes place by conduction as far as solid wall or shell is considered considered ठीक है अब कंडक्शन क्या होता है कंडक्शन होता है आपका जैसे ये क्या है आयरन रोड है ठीक है अगर हम इनिशियल स्टेट इसे माने ठीक है स्टार्टिंग हीट कहाँ कर रहे हैं हम इनिशियल इस एंड पे कर रहे हैं हीट ठीक है जो आपकी जो लोहे की रोड होती है ठीक है आपने सबने देखा है कि लोहे का अगर एक एंड हम गरम करते हैं तो दूसरा एंड ऑटोमेटिक ही गरम हो जाता है बट धीरे धीरे होता है ठीक है ये क्या है कंडक्शन ठीक है कंडक्शन मेथड में जैसे हम अगर एक एंड को क्या करेंगे गरम करेंगे ठीक है एक एंड को गरम करेंगे तो वो धीरे धीरे सीरीज वाइज मतलब यहाँ पे गरम हुआ थोड़ा फिर इधर गरम हुआ फिर इधर हुआ फिर धीरे धीरे दूसरे एंड पे वो पहुँच जाएगा ठीक है इस प्रोसेस जो इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं कंडक्शन ठीक है कि इनिशियल स्टेज में गरम किया आपने और हीट ट्रांसफ़र हुई कहाँ पे फाइनल स्टेज में और सीरीज वाइज हुई मतलब अगर आप सीरीज इसे कॉलम बना लो 1 2 3 4 5 ठीक है तो क्या हुआ इनिशियल स्टेज से धीरे धीरे गरम हो के कहाँ गया फाइनल स्टेज में मतलब जो आपको दूसरा एंड आपको गरम फील होगा ठीक है ये क्या इसमें जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो आपका क्या है कंडक्शन आया समझ में या फिर आप ऐसे समझ लो जैसे आप एक ही क्लास में बैठे हो ठीक है सीट पे बैठते हो फर्स्ट सीट पे कोई और बैठा है ठीक है जैसे मान लिया अर्जुन बैठा है ठीक है लास्ट सीट पे कौन बैठा है कौन है आपकी और क्लास में जैसे इंजमामुल हक बैठा है लास्ट सीट पे ठीक है सेम रो में ठीक है बट अलग बीच में कुछ है अर्जुन को कुछ ट्रांसफ़र करना है आपके पास इंजमामुल हक के पास ठीक
ठीक है, जिमा मुलक के पास कुछ पेन या कॉपी आपको ट्रांसफ़र करनी है, तो वो क्या बीच के बंदे को आगे वो करेगा ट्रांसफ़र, मतलब सीरीज वाइज, ठीक है, सीरीज वाइज ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। उसमें जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो क्या है, कंडक्शन, ठीक है, आया समझ में। मतलब अगर हम एक स्टेज एक एंड को गर्म करते हैं तो वो धीरे धीरे सीरीज वाइज दूसरा एंड आपका क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा, ठीक है, हीट ट्रांसफर, आया समझ में। यस मैम। ठीक है, अब दूसरा दूसरा मैकेनिज्म लिखो, कन्वेक्शन, सी ओ एन वी ई सी टी आई ओ एन, कन्वेक्शन, इसमें लिखो, व्हेन हीट फ्लो इज अचीव्ड बाय, व्हेन हीट फ्लो इज अचीव्ड बाय एक्चुअल मिक्सिंग ऑफ वार्मर पोर्शंस, एक्चुअल मिक्सिंग ऑफ वार्मर पोर्शंस विद कूलर पोर्शन ऑफ सेम मटीरियल, द प्रोसेस इज नोन एज, मैम विद कूलर से स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, व्हेन हीट फ्लो is achieved by actual mixing of warmer portions with cooler portions of the same material. The process is known as convection. Example लिखो, heating of water by a hot surface is mainly by convection. Heating of water by a hot surface is mainly by convection. ठीक है, कन्वेक्शन को समझो अब, जैसे ये लोहे की रोड है, ठीक है, कंडक्शन में क्या कर रहे थे आप, एक एंड से, ठीक है, एक एंड को गर्म कर रहे थे, वो धीरे धीरे ट्रांसफर कहाँ हो रहा था, दूसरे एंड पे, ठीक है, बट कन्वेक्शन में क्या है, अगर हम एक एंड को, ठीक है, एक एंड से गर्म कर रहे हैं तो हमें इस एंड को गर्म करना है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट इस एंड से क्या करेंगे, हीट डायरेक्ट इस एंड पे करेंगे, ठीक है, मतलब इस एंड से आपकी हीट ट्रांसफ़र हो रही थी, बट हमें बीच के मीडियम्स को वो नहीं करना है, ठीक है, बीच के मीडियम्स को क्या करना है, इन्वॉल्व नहीं करना है, हम इस एंड से उठा के डायरेक्ट क्या करेंगे, सोर्स को इसी एंड पे ले जाएंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका एंड गर्म हो जाएगा, ठीक है, जो दूसरा वो है मटेरियल यहाँ पे वो करेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, वो आपका हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। एग्जांपल क्या लिखा है आपने, हीटिंग ऑफ वाटर, जैसे आप किसी वेसल में क्या करते हो, ठीक है, वाटर गर्म करते हो, तो मींस उसका वाटर क्या है, भट्टी जो आप जो भी आग जलाते हो उसमें वो नीचे रखते हो, वाटर आपका क्या होने लगता है, बॉयल होने लगता है, ठीक है, वो एग्जांपल किसका है, कन्वेक्शन का, मतलब बॉइलिंग ऑफ वाटर, मतलब जो एग्जांपल है, जो आपकी हीट है, मतलब सेम वहीं पे आप डायरेक्ट आप उसे वो कर रहे हो, ठीक है, वो क्या है, कन्वेक्शन। जैसे दूसरा एग्जांपल मैंने कैसे बताया आपको, जैसे आप
एक ही सीरीज में बैठे हो, आप क्लास में बैठे हो, अर्जुन को इंजमामुल हक को क्या करनी है, कॉपी या पेन देना है, तो वो बीच के बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करेगा। अब अर्जुन उठेगा और डायरेक्ट इंजमामुल हक को क्या करेगा, पेन या कॉपी दे देगा। ठीक है, ये मेथड क्या है, कन्वेक्शन। आया समझ में? आया समझ में? यस मैम। ठीक है, आग नेक्स्ट लिखो रेडिएशन। नेक्स्ट लिखो रेडिएशन, व्हेन हीट फ्लो थ्रू स्पेस, व्हेन हीट फ्लो थ्रू स्पेस बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सच एनर्जी ट्रांसफर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सच एनर्जी ट्रांसफर इज नोन एज, सच एनर्जी ट्रांसफर इज नोन एज रेडिएशन। एग्जाम्पल लिखो, ए ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द रेडिएशन रिसीव्ड बाय इट। ए ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द रेडिएशन रिसीव्ड बाय इट। ठीक है, रेडिएशन। अब रेडिएशन का एग्जाम्पल क्या है, जैसे आप किसी, मतलब आपको डायरेक्ट क्या करना है, जैसे कॉमन टर्म्स में आपको बताती हूँ। जैसे आपने वो देखा होगा, जब आप लोहे के कुछ वो देखते हो, ठीक है, मतलब कुछ भी लोहे की चीज़ बनवाते हो, तो वो बिल्डिंग कर वो करता है, बिल्डिंग मतलब क्या बोलते हो उसमें, अब मेरे याद नहीं आ रहा है, जो जॉइंट लगाते हैं लोहे के उसमें, ठीक है, वो डायरेक्ट उसको जॉइंट करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट उस पार्ट को हीट करके उससे जॉइंट करते हैं, ठीक है, बिल्डिंग जो करता है, ठीक है, समझ रहे हो, बिल्डिंग जो करता है पर्सन, वो क्या है, डायरेक्ट उसी उस पे डालता है, मतलब उसी उसी वेसल को या उसी पार्ट को हम हीट करेंगे जहाँ पे हमें, जिसको हमें हीट करना है। ठीक है, ये क्या है, ही रेडिएशन मेथड, ठीक है, बाय द रेडिएशन। ठीक है, आया समझ में? और जब आपकी, मतलब हीट ट्रांसफर कब नहीं होता आपका, जैसे आपको, मतलब अगर आप गरम पानी एक ग्लास में लेते हो, तो आपको ग्लास क्या लगेगा, गरम लगेगा, आप पकड़ नहीं पाते हो, ठीक है, वो आपका, दैट मीन्स ग्लास में भी आपकी हीट ट्रांसफर हो गई। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि आपकी हीट ट्रांसफर हो गई। अब कब नहीं होती है आपकी हीट ट्रांसफर, कब नहीं होती है, जब आपका बाउंड्री वॉल, जो आपकी बाउंड्री, जैसे आपका ग्लास, अगर आपका क्या होगा, इंसुलेटेड होगा, इंसुलेटेड मतलब जो हीट ट्रांसफर होने नहीं देता है। ठीक है, जैसे आपके ब्लैक सरफेसेस होते हैं, या फिर जो आपके हॉट पॉट आते हैं, वाटर बॉटल्स आती हैं आपकी, ठीक है, जो बाहर, मतलब आप अंदर एयर को ट्रांसफर होने, या बाहर अंदर की हीट को बाहर आने नहीं देता, उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटेड सरफेसेस होती हैं वो। ठीक है, उसमें आपकी जो वो है, हीट ट्रांसफर नहीं हो पाती है बाहर की साइड में। ठीक है, आया समझ में? ये आपका मैकेनिज्म है, तीन मैकेनिज्म पे बेस्ड है आपकी हीट ट्रांसफर। ठीक है, अब एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस मैं लिखाऊंगी नहीं, तुम्हें बताती हूँ ओनली। ठीक है, एप्लीकेशंस हैं, फर्स्ट एप्लीकेशन है इवापोरेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन है इवापोरेशन। आप किसी, मतलब अगर आप कोई वो बना रहे हो, ठीक है, जैसे हर्बल जो ड्रग्स होंगी, जब आप आगे नेक्स्ट सेमेस्टर में आप कोग्नोसी पढ़ोगे, फार्माकोग्नोसी पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा कि अगर आप जैसे कोई काढ़ा वगैरह बनाते हो,
तो उसे क्या करते हो आप, गरम करके उसे इवापोरेट करते हो, मतलब आपको सॉलिड पार्टिकल्स चाहिए उसका, सॉलिड मटेरियल चाहिए या सेमी सॉलिड मटेरियल चाहिए, तो उसका आप वाटर क्या कर दोगे आप, उसे उड़ा दोगे, मतलब इवापोरेट कर दोगे, ठीक है। वो किसके कारण हो रहा है, हीट, उसे हीट करोगे, हीट हीट करोगे तभी तो वो इवापोरेट होगा, ठीक है। ये एप्लीकेशंस मतलब यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं आपके हीट ट्रांसफर में। सेकंड क्या है, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन सबको पता है डिस्टिलेशन क्या होता है, क्या होता है सुमन डिस्टिलेशन, मैम डिस्टिलेशन क्या होता इसमें है? सेपरेट, इसमें मैम सेपरेशन मैथ करते हैं जिसमें छोटा हाँ छोटा पार्टिकल्स को अलग करते हैं। ठीक है, जैसे डिस्टिलेशन आप नॉर्मल उसमें फिल्टर, आपका जो वो है आपका फिल्टर, मतलब क्या होता है गरम करके जो आप यूज़ करते हो, ठीक है। जैसे आपकी मीथेन गैस आपने 12th में पढ़ी होगी, मीथेन गैस या इथेन गैस जो बनती है वो थ्रू द किसके बनती है, डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू बनती है, ठीक है। कि डिस्टिलेशन एक वेसल को आप क्या करोगे, हीट करोगे, फिर बीच में क्या होता है कंडेंशन, कंडेंसर लगा होता है जो आपको क्या करता है उसको कूल करके आगे ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। ये क्या होता है डिस्टिलेशन, ठीक है। डिस्टिलेशन में जो आपका जो आप हीट कर रहे हो, ठीक है, हीट करके वो जो वेपर्स बन रही हैं, कंडेंस हो रही हैं, हीट करके ही तो बन रही हैं वो वेपर्स, तभी तो आगे जाके ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्टिलेशन में यूज़ होता है आपका हीट ट्रांसफ़र मेथड। थर्ड क्या है, ड्राइंग। अगर आप नॉर्मली बाहर कोई ड्राई कर रहे हो प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे आपका प्रोडक्शन में टैबलेट बना रहे हो, ठीक है, या कैप्सूल्स या कुछ भी, कोई भी चीज़ को आप ड्राई करना है, तो ड्राई मेथड, ड्राइंग मेथड यूज़ करोगे, या नॉर्मली आपको अगर कहीं किसी चीज़ में मॉइस्चर आ जाता है तो आप सुखाते हो उसे, इसी टाइप से प्रोडक्शन में या फार्मास्यूटिकल उसमें कंपनीज में ड्राइंग मेथड थ्रू द हीटिंग मेथड से यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन आपने केमिस्ट्री में शायद अभी मतलब प्रैक्टिकल करोगे आप, जैसे क्रिस्टलाइजेशन होता है आप कोई केमिस्ट्री का जो वो होता है आपको प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। प्रोडक्ट बनाओगे जो केमिस्ट्री के जो जो भी आपके वो हैं सॉल्यूशंस जो अभी आपने सॉल्वेंट लिए हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, उसे प्रिसिपिटेट करना है, ठीक है। जो आपको मिलेगा बाद में वो क्रिस्टल फॉर्म में मिलेगा, पर जो भी प्रोसेस हो रही है उससे पहले तो आपको हीट करना है उसे, तभी आपको आगे जाके आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। फिफ्थ है आपका स्टेरिलाइजेशन, जो आपने माइक्रोबायोलॉजी में अभी पढ़ा होगा। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ को जैसे ऑटोक्लेव में या फिर अवन में रख के आपको स्टेरिलाइज करना है, ठीक है। वहाँ पे भी आपका क्या है, हीट प्रोड्यूस हो रही है तभी आपका स्टेरिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। या तो वो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन होगा या फिर वेट हीट ड्राई वो होगा स्टरलाइजेशन, ठीक है। या आपके एप्लीकेशंस या यूजेस हैं फ्लो ऑफ हीट या हीट ट्रांसफ़र के। आया समझ में, अभी तक जो बताया है वो समझ नहीं आया होगा तो बता दो, क्योंकि इसी के बेस्ड पे आगे का चैप्टर है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ठीक है। इन तीनों मैकेनिज्म अगर नहीं समझ में आया तो मतलब आपको ये चैप्टर समझ नहीं आएगा। आया समझ में, मैम ठीक है। और सिलेबस में जो आपके सेशनल होंगे वो सिलेबस में आपके हीट ट्रांसफ़र तक आएगा, ठीक है। हीट ट्रांसफ़र जो चैप्टर है आपका वहाँ तक आएगा, फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट आएगी, सेकंड यूनिट में आपका हीट ट्रांसफ़र वाला चैप्टर आएगा, ठीक है। क्योंकि यही हो पाएगा तब तक, इवापोरेशन और डिस्टिलेशन नहीं आएगा, ओनली हीट ट्रांसफ़र आएगा, ठीक है।
अगर किसी को डाउट है अभी पूछ लो, और क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। उसका मैम अगर एग्जाम होगा कैसे? ऑनलाइन? तो ऑनलाइन कैसे होगा? मतलब एक सॉफ्टवेयर में आपको आईडी वाईडी बनानी है, ठीक है? होगा एक गूगल, नहीं गूगल उसके नहीं, एक सॉफ्टवेयर आपको एक लिंक सेंड होगा शायद, अभी उस पर काम चल रहा है, ठीक है? तो उस पर लिंक आपको आईडी बनानी है, उसमें रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको आईडी और पासवर्ड का मेल आएगा आपके पास, ठीक है? जब आपका एग्ज़ाम होगा आपको तभी लॉगिन करना है, तो आपके सामने एग्ज़ाम आपको खुल के मिल जाएगा। जैसे आप कभी कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है उसी टाइप से होगा ऑनलाइन, ठीक है? तो मैम वो तो मैम घर पे देना है, तो कोई भी बैठ के दे देगा बुक पे? कोई भी बैठ के दे देगा मतलब? मैम आप लोग सर्वर बनाओगे तो ऐसे थोड़े होगा ना, कोई बैठ के इंस्पेक्ट करेगा? कोई भी तो बैठ के मतलब बुक खोलेगा, सामने रख के कोई भी डिवाइस से फट मार के दे सकता है। पता नहीं अब वो उसमें शायद टाइमिंग वाइमिंग भी है, टाइमिंग सेट है कि कितने मिनट मिलेंगे आपको, का टाइमिंग बना सकते हो? 30 सेकंड बहुत होता है सर्च करने के लिए। वो तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऐसे थोड़ा ना घुमा फिरा के भी आ जाते हैं क्वेश्चंस डायरेक्ट। हाँ मैम कितने क्वेश्चन आएंगे? आपके 25 क्वेश्चंस हैं, 25 मार्क्स का ही वो है क्वेश्चन पेपर। अरे सौरभ भाई हमारे भी देख ले, तो टैलेंटेड है। और माइनस मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई, ये कंपटीशन थोड़ी ना आयो। चलो अटेंडेंस दे दो कंपटीशन। आकाश पवार, यस मैम। अभिषेक, अभिषेक नामदेव, यस मैम। अभिषेक सैनी, यस मैम। आलोक बिष्ट, आकाश सैनी, यस मैम। अमरजीत, अंजलि, अंकित कुमार, यस मैम। अंकुर, अंकित सिंह, अंकुर, अंकुर चौहान, यस मैम। अनुज कुमार, अनुज, यस मैम। अर्जुन, यस मैम। फैज, हनुमंत कपिल, इंजमामुल हक, इंजमामुल हक, है ही नहीं क्लास में। कपिल सैनी, प्रेजेंट मैम। अमीशा, प्रेजेंट मैम। दीक्षा, मधुर त्यागी, मनीष यादव, मनीष राज पटेल, प्रेजेंट मैम। मयंक प्रकाश, प्रेजेंट मैम। हारून, आमिर, जुनैद, यस मैम। स्वाफ, स्वाफ, वलीम, यस मैम। असजद, शरीफ, शरीफ, यस मैम। मोहित कुमार, मोहसिन, मुकुल कुमार, परवेज आलम, मैम मोहम्मद वलीम की हो गई? हाँ हो गई। राहुल, राजन सैनी, यस मैम। रिया सती, प्रेजेंट मैम। रोहित, साजिद, साजिद, सौरभ चौहान, यस मैम। सौरभ कुमार, यस मैम। शरद सैनी, श्रुति बाबरा, यस मैम। सुयब, यस मैम। शुभांशु, प्रेजेंट मैम। सुमन, प्रेजेंट मैम। तुषार पांचाल, विशाल पमार, हिमांशु, शाहबाज खान, तुषार त्यागी, सुमित, प्रेजेंट मैम। ठीक है क्यों पहले
पहले कहाँ जाते हो? अटेंडेंस होती है तब ऐड हो जाते हो? नहीं मैम, मेरा नेटवर्क चले गया था मैम। अच्छा, अटेंडेंस के टाइम पे या उससे पहले ही चले गए थे? मैम अटेंडेंस से पहले चले गए, 2 मिनट पहले से बात कर रही हूं उसके बारे में। क्या डाउनलोड करिए? क्लास के पास नहीं हो तुम? वैसे भी क्लास घर में बैठ के